गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की टेस्ट सीरीज में। आज की क्लास में जो कि जनरल अवेयरनेस की क्लास हमारी चल रही है, इससे पहले काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सचिन, विनय, मनीष, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग आपकी हो चुकी है, अब जल्दी से क्लास लेते हैं हम। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, एसएसएससी से रिलेटेड हो, आरआरबी या सीजीएल पे, उनकी जो फ़ी है वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल सकती है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो ऑफ़र है ये आपके लिए सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है, 19 से लेके 21। मैंने आपको कल भी ये बताया था। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हमारी जो भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, हार्ड नोट्स हैं, और जो भी और उसके साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसके ऊपर भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज की हेल्प से आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सकता है। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया हुआ आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप ssccjlpinnacle.com पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स इसमें दे दी जाएगी। और फिर भी आपको कोई कमेंट्स, कोई इश्यू हो या कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग आ गए हैं तो हम क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ईरानी, ईशानी, सबको गुड मॉर्निंग। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आपको इसमें बताना है कि जो राज्यसभा है, हमारा सदन है, जिसको अपर हाउस भी हम बोलते हैं, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स के, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन ए, दैट इज 250। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, और जो अपर हाउस होता है, जो उचला सदन होता है, उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के में 250 मेंबर्स होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं 250 अधिकतम, मतलब मैक्सिमम कम इससे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर नंबर हो तो 250 ही इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर जो होते हैं वो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जो भी उन दोनों को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के रिप्रेजेंट करते हैं, 238, 250 में से 238 जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। और जो दो होते हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन जो हमारी कम्युनिटी होती है उससे वो, सॉरी सॉरी, जो 12 मेंबर्स होते हैं, दो जो मेंबर लिए जाते हैं वो लोकसभा के केस में लिए जाते हैं, और राज्यसभा के केस में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, 12 मेंबर चुने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा की अगर निर्वाचन की आपसे उम्र पूछी जाए, एज पूछी जाए, तो एज होगी इसकी 25, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स इसकी एज होगी। अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, तो इसके इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसके होते हैं। और लोकसभा के केस में जो ये उम्र होती है वो 25 साल होती है, जो उनका कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और लोकसभा के इलेक्शंस आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शंस उसके होते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर होगा 250, 250 इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु केलुचरण महापात्र वॉज ए मेस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। आपको बताना है कि गुरु केलुचरण महापात्र जो थे वो कौन से नृत्य के रूप के उस्ताद थे, कौन से नृत्य वो करते थे, ये आपको हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हम क्या लेंगे। इसका राइट आंसर जो हम लेंगे, इसका आंसर है दैट इज ओडिसी। ओडिसी इज द राइट आंसर। वो कौन से नृत्य के उस्ताद थे, ओडिसी नृत्य के उस्ताद थे। ये कौन से आपसे स्टेट में, मतलब कौन से स्टेट का प्रसिद्ध नृत्य है, तो उड़ीसा, उड़ीसा का ये प्रसिद्ध नृत्य ही आपको नाम से पता चल रहा होगा। और इसके बारे में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो उड़ीसा का सबसे, अगर आपसे फेमस डांसर पूछा जाए तो उसका नाम है सुजाता महापात्रा। ये दो फैक्ट्स आपको इसमें याद रखने लायक है। अब आते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रोसेस चेंजिंग द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और प्लेस ऑफ करियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। आपको ये बताना है, आपको एक प्रोसेस का, ये चारों प्रोसेस दी हुई है, इनमें से आपको एक चूज करना है। आपको बताना है कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको जो एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होती रहती है, तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है,
कोई भी एक प्रोसेस है वो कितनी बार रिपीट होती है, एक ही पॉइंट में एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार वो रिपीट हो जाती है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता ही है, तो आपको ये बताना है कि जो सिग्नल होता है, सिग्नल आपको पता है वेव्स की फॉर्म में जो सिग्नल होता है, तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी होता है और फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जब उसकी चेंज होती है, उस प्रोसेस को हमें बताना है क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, दैट इज ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि सिग्नल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। आपको पता है जितनी भी हमारी प्रोसेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है, तो जो ये सिग्नल्स इस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि जो हम अपने थॉट्स आइडियाज को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। डिजिटाइजेशन आपको पता ही है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसको हम कंप्यूटर फॉर्म में पढ़ते हैं, डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसको डिजिटाइजेशन कहते हैं। अडेप्टेशन मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि अडेप्टेशन किसी अपने आप को किसी भी नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो ढालना होता है उसको अडेप्टेशन कहते हैं। ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो होगा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिग्नल्स मैंने आपको बताया, सिग्नल्स इस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस जो होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज्ड बाय इसरो इन लॉन्चिंग मंगलयान। आपको ये बताना है कि जो हमारा मंगलयान था, मंगल जो हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें जो मंगलयान था उसमें उसको कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका नाम आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, जो भी हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं, हम उनको जब स्पेस में अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उसके लिए हमें एक व्हीकल चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम उनको अर्थ से हम स्पेस में भेज सकते हैं। उनको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल्स। तो लॉन्च व्हीकल्स में आपको नाम बताना है कि कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था जब हमारा मंगल प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसको मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया था। तो इसका राइट आंसर हम जो लेंगे वो लेंगे PSLV C-25 इज द राइट आंसर। मंगल, देखिए मंगल मंगल ग्रह जो हमारा मंगल ग्रह है, उसकी उसकी स्टडी के लिए या उसके रिसर्च पर्पस के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मंगल प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमने मंगलयान को, जो मंगल ग्रह की जो कक्ष है उसके अंदर हमने भेजा था। तो कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी प्लेनेट क्या होता है कि उसकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, एक कक्ष होती है जिसके अंदर वो घूमता है, वरना ऐसे तो कितने सारे प्लेनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, तो एक दूसरे से वो टकरा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी एक कक्ष होता है, एक ऑर्बिट होता है जो फिक्स्ड होता है, वो अपनी ही जगह पे घूमते रहते हैं, जैसे हमारी अर्थ है वो भी हम अपने ही ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था कि यहाँ से मंगलयान भेजा गया था अर्थ से, मंगल ग्रह की जो कक्ष थी, ये वाली कक्ष जो होती है जिसमें वो घूमता है, तो पहले ही अटेम्प्ट में इंडिया ने उसको मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्ष में पहुंचाया था। तो ये इसके साथ ही हम क्या बन गए, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई इंडिया, जिसने कि पहले ही अटेम्प्ट में, कोई अटेम्प्ट उसका खराब नहीं किया, और पहले ही अटेम्प्ट में उसने मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्ष में पहुंचाया था। और हम इसी के साथ फोर्थ लार्जेस्ट हम कंट्री भी बन गए हैं, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गई है जिसने इस प्रोजेक्ट को कैरी किया, फॉरवर्ड किया और पूरा किया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट कितने साल का था, तो ये 4 साल का ये प्रोजेक्ट था, 2013 से 2018 के बीच में प्रोजेक्ट चला था, नवंबर 2013 से 18 के बीच में 4 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। आपको बताना है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है इंडिया की, उसको कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, ये आपको बताना है। तो इंडिया में मैंने आपको इससे पहले एक पॉलिसी के बारे में बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। दो पॉलिसीज हमारी होती हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी ये होती है, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि हम फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय इसको फिस्कल पॉलिसी को बनाता है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि जो भी हमारे स्टेट है, स्टेट की कुछ इनकम होती है, कुछ कमाता है स्टेट, और कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे भी होते हैं जो लोगों के ऊपर खर्चा किया जाता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसको कंट्रोल करती है कि स्टेट कहीं तो ज़्यादा खर्चा ना कर दे, इनकम कम हो रही है, अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो स्टेट को नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि जो स्टेट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, फिस्कल पॉलिसी।
एक मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई। इन दोनों पॉलिसीज का नाम आपको याद रखना है और किससे रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, और इनको कौन फॉर्मुलेट करता है, इनकी कौन इनको तैयार करता है ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके सामने कुछ उनसे रिलेटेड टर्म्स आपको दी गई हैं। आपको ये बताना है कि किसका नाम उससे रिलेटेड टर्म्स से नहीं कनेक्टेड है, मतलब वो उसे जो प्रोफेशन उनका आगे दिया गया है उससे वो संबंध नहीं रखते हैं, ये आपको इसमें ढूंढना है। तो आइए ऑप्शन टू ऑप्शन हम देखते हैं कि जामिनी रॉय पेंटर, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश प्लेयर, अल्लाह रखा तबला इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मेधा पाटेकर डांसर। आपको ये बताना है कि इनमें से किसका संबंध इनसे नहीं है, जो इनके नाम ये आगे दिए गए हैं, इनके प्रोफेशन उनका संबंध उनसे नहीं है। इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे दैट इज ऑप्शन डी, मेधा पाटेकर जो है वो डांसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वो है सोशल एक्टिविस्ट है, वो एक समाज सेविका है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमारी नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए एक काफी व्यापक रूप में एक आंदोलन हुआ था, तो उसमें जिन्होंने भाग लिया था वो थी मेधा पाटेकर। उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो वो क्या है, वो डांसर नहीं है, वो है कि समाज सेविका मेधा पाटेकर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। आपको बताना है कि एक निगम के लेनदार कौन होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जो लेन देन का काम करते हैं, कॉरपोरेशन आपको पता है एक निगम जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपको इसलिए बताना कि हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे दैट इज ऑप्शन सी, बोथ बॉन्ड एंड स्टॉक होल्डर्स। तो बॉन्ड और स्टॉक क्या होते हैं कि स्टॉक जो आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के कॉरपोरेशन को जो शेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉक। और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक एक खाली एक पेपर होता है जिसकी कुछ वैल्यू कुछ अमाउंट उस पर लिखा होता है। अगर मान लो आपको किसी से कोई एक बड़ी कंपनी है वो अपना बिजनेस और ज़्यादा किसी ब्रांच खोलना चाहती है, तो वो क्या करती है कि लोगों से पैसे उधार लेती है, तो ये एक पेपर वो देगी लोगों को और उससे पैसे उधार देगी कि अगर मान लो आपको, मैं अगर आपको जब उधार चुकाऊंगा तो इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट या सब कुछ इसमें मेंशन होता है, तो मैं इस इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करूंगा, इस डेट को मैं आपको वापस करूंगा। तो ये जो होता है एक एग्रीमेंट टाइप होता है, बॉन्ड दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और ये क्या होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं, कि उधार उधार लेने का एक ही मेथड भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे बोथ बॉन्ड एंड स्टॉक होल्डर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निपोन इज द नेम गिवेन टू जापान विच मीन्स। आपको ये बताना है कि निपोन जो है वो जापान को दिया गया एक नाम है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी की हो चुकी है। हिमांशु राहुल आप सभी की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कि इसका आंसर क्या होगा, निपोन का मतलब क्या है। तो आप सभी को पता है कि जापान जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। तो ये जो निपोन जो आपको शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ यही है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और ये किसको कहते हैं हम, जापान को हम कहते हैं। अब आते हैं कि लैंड ऑफ, ये ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं कि लैंड ऑफ पैगोडास किसे कहते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए तो म्यांमार को, म्यांमार को ये हम कहते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थ केक्स, तो एक्चुअली ये ऑप्शन दोनों अलग अलग हैं। तो लैंड ऑफ वोल्केनोज किसे कहा जाता है, सेल्वेडोर को। सेल्वेडोर एक कंट्री है उसको कहा जाता है लैंड ऑफ वोल्केनोज, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज प्रेजेंट है। और आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ अर्थ केक्स किसे कहा जाता है, तो उसको कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स, साल में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसको कहा जाता है लैंड ऑफ अर्थक्वेक्स, और लैंड ऑफ वोल्केनोस कहा जाता है सेल्वेडोर को। अब आते हैं हमारे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैच द आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट फॉर्म। आपको कुछ कलाकार दिए गए हैं, उनकी कला का केंद्र आपको दिया गया है, तो आपको ये बताना, आपको मैच करना है कि ये कलाकार इन्हीं कला से संबंध रखते हैं या नहीं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर इसमें क्या होने वाला है। तो ऑप्शन ए है संयुक्ता पाणिग्रही, इसका इनका संबंध बताया गया है सितार से, ये आपके इनका नाम आर्टिस्ट का ना कलाकार का नाम है, और जो नीचे जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं इनकी कला है, तो आपको इनसे मैच करना है कि जो ये संयुक्ता पाणिग्रही है वो सितार से संबंध रखती है नहीं, ये आपको बताना है।
तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, उनका संबंध बताया गया है मृदंगम से, पंडित रविशंकर जिनका संबंध बताया गया है राइटर से, पालघाट मणि अय्यर जिनका संबंध बताया गया ओडिसी नृत्य से। तो आपको इसका राइट आंसर हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो हम राइट आंसर हम वो लेंगे, हम लेंगे दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इनमें से कौन सा गलत हुआ, इसमें से जो गलत हुआ है वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि वो एक राइटर नहीं थे, वो एक सिंगर थे, एक सिंगर थे पंडित रविशंकर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। आपको कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि किस कंट्री को कॉफी पॉट या कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने, आपको इनमें से एक चूज करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो सेंटोस है, सेंटोस जो सिटी है उसको हम बोलते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है ब्राजील में, ब्राजील में ये लोकेटेड है, इसमें और कुछ जानने को है नहीं। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है सेंटोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर। आपको बताना है कि जो ये टर्म आपको दी गई है एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड, ये कौन सा मेथड है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, एक मेडिकल मेथड ये होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो भ्रूण होता है उसकी हम सेक्स अगर पता लगते हैं कि मेल है या फीमेल है, लड़का या लड़की जिसको बोलते हैं कि पता करते हैं लोग, और फिर बाद में उनको मरवा देते हैं अगर लड़की होती है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स की, जो हमारा फीटल जो भ्रूण है उसकी हमें सेक्स का पता लगाना कि मेल है या फीमेल है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, ये डायग्राम है, तो जो ये फीटल होता है, फीटस इसको बोलते हैं, तो फीटस के पास में जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। ये फ्लूड लेते हैं, इस फ्लूड में क्या होता है डीएनए होता है, उस डीएनए को टेस्ट करके पता लगाते हैं कि मेल है या फीमेल है, ये इसका प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस शुरू तो इसलिए किया गया था कि अगर जो फीटस है उसमें कोई डिजीज़ है या कोई बीमारी है तो उसको दूर किया जा सके ऐसी सिचुएशन को, लेकिन लोगों ने इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, वो इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, पता करने के लिए कि लड़का है या लड़की है। तो एमनियोसेंटेसिस इज़ रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। आपको बताना है कि इन इनमें से, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा वो है, आपको नाम बताना है जो कि क्या करता है बाकियों की तुलना में सूर्य के प्रकाश का अधिक परावर्तन करता है, मतलब जो भी सनलाइट होती है उसको वापस भेज देता है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि वापस भेज देना, उसको हम रिफ्लेक्ट होता है कि चमकाना, जिसको भी हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं रिफ्लेक्शन वो होता है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे, बताइए क्या लेंगे, इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिए बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, ताजी बर्फ से ढकी जो भूमि होती है उसमें क्या होता है, वो सबसे ज्यादा बाकियों के, इन तीनों की तुलना में वो सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। तो देखिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एल्बिडो, एक प्रोसेस होती है एल्बिडो, उसमें क्या होती है जो सूर्य से जो भी रोशनी आ रही होती है उसको वापिस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सूर्य से आ रही रोशनी को वापिस रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनका एल्बिडो जो होता है, क्योंकि एल्बिडो प्रोसेस यही होती है कि जो सूर्य से जो लाइट आ रही, सन से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना, एब्जॉर्ब करने के बजाय उसको रिफ्लेक्ट, वापिस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एल्बिडो, ये प्रोसेस होती है इसके पीछे। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो आपसे पूछा जाए तो जो स्नो होती है उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, क्योंकि उसका वाइट कलर होता है, वो सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करती है। और सबसे कम आपसे अगर पूछा जाए कि एल्बिडो किसका होता है, जो ब्लैक क्लॉथ्स हमारे होते हैं, ब्लैक कलर जो होता है सबसे ज़्यादा, आपको पता है जो काले कपड़े हमेशा आपको गर्मी में एडवाइस दी जाती है कि सफ़ेद कपड़े पहना करो, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो सफ़ेद काले कपड़े अगर हम पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो इसलिए आपको एडवाइस देते हैं कि गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो ये फॉलोइंग आपके पेयर्स ये दिए गए हैं इनका संबंध इनसे है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पन्नालाल घोष जिनका संबंध फ्लूट से बताया गया है, गुरु गोपी कृष्ण जिनका कथक से बताया गया है, निखिल बैनर्जी जिनका संतूर से बताया गया है, और नंदलाल बोस जिनका पेंटिंग से संबंध बताया गया है। तो आपको इनमें से बताना है कि किसका संबंध सही दिया गलत दिया हुआ है और वो उससे संबंध नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन सी, निखिल बैनर्जी जो है उनका संतूर से संबंध नहीं है। तो उनका संबंध किससे है, वो क्या है, सितार बजाते हैं, उनका संबंध सितार से। अगर यहाँ पे सितार होता तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता, क्योंकि जो निखिल बैनर्जी है वो सितार बजाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स इज, आपको ये बताना है सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे, वो बच्चे बी भी कमेंट करने ही नहीं, इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज रोम। रोम को ही क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोम कहाँ पे लोकेटेड है, तो रोम है इटली, इटली शहर का नाम आपने सुना होगा, कंट्री का नाम, तो इटली में ही रोम लोकेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे बस यही फैक्ट पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम, और रोम का ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में कोई फैक्ट पूछे नहीं जा सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। आपको कुछ प्रोसेस दी गई है यहाँ पे, आपको उनमें से बताना है कि जो भी ये प्रोसेस है इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी दो केमिकल्स को अगर हम मिलाते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होती है, एक थर्ड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक होती है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन फिजिकल स्टेट हम मानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल रिएक्शन, कि कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि दो केमिकल्स को मिलाने से जो रिएक्शन होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से चारों प्रोसेस में से आपको चूज करना है कि जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन डी, दैट इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। जो हमारी कैंडल वैक्स होती है, आपने कैंडल तो देखी ही होगी, कैंडल वैक्स ना देखे तो कैंडल तो आपने देखी होगी, उसमें जो वैक्स होती है उसको कैंडल वैक्स बोलते हैं। तो कैंडल को जब आप हीट करोगे, आपने देखा होगा जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें वो धीरे धीरे उसका साइज कम हो जाता है, वो पूरी वैक्स पिघलने लगती है। लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा ही हीट करेंगे, ज़्यादा ही हीटिंग आप उस पर लगाएंगे, तो क्या होता है, वो वैक्स मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद कैंडल सॉलिड होती है, कैंडल का जो फेज होता है वो सॉलिड होता है, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अभी आपको मैंने बताया कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जो चेंज होता है उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कैंडल वैक्स हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल तो आपको रिएक्शन तो कहीं हो नहीं रही, कोई भी केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको क्या है, फेज जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। तो इसका राइट आंसर हमने पूछा था कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो ये है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट वुमेन हु वाज टू बी इंडक्टेड इन आईसीसी एम्पायर्स पैनल बिलोंग्ड टू विच कंट्री। आपको बताना है कि पहली महिला आईसीसी के एम्पायर में शामिल की गई है, उस महिला, वो जो महिला है वो कौन से देश से संबंध रखती है, कौन सी कंट्री से उनका संबंध है, ये आपको बताना है। इसका नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताएगी उस महिला का नाम क्या है, और उसकी कंट्री हम देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री से संबंध रखती है। तो इसका जो राइट आंसर हम लेंगे दैट इज ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। और उनका नाम आपसे, अगर उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है तो नाम है उनका कैथी, कैथी क्रॉस। कैथी क्रॉस जो है उनको पहली वो महिला है जिनको आईसीसी के, आईसीसी आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड है, उसमें एम्पायर के तौर पे उनको शामिल किया गया है, और ये न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं, ये इस आंसर का क्वेश्चन है। बस यही दो फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे कि उनका नाम क्या है और वो कौन से देश से उनसे संबंध है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज कोलेरा इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि जो कोलेरा जो डिजीज होती हैजा जिसको भी बोलते हैं हम, वो उसका जो जल जनित जीवाणु रोग हैजा किसकी वजह से होता है। आपको उसका रीज़न बताना है कि जो कोलेरा डिजीज़ होती है
वो कौन से बैक्टीरिया से होती है ये आपको इसमें बताना। तो जो इसका राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन बी, दैट इज वाइब्रियोकोमा। वाइब्रियोकोमा एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से कोलेरा जो डिजीज होती है वो होती है। कोलेरा में क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपको ORS भी पिलाया जाता है, तो वो जो बीमारी होती है उसको कोलेरा बोलते हैं। कभी कभी तो इस बीमारी में डेथ भी हो जाती है इंसान की, इतना ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो किसकी वजह से होता है, वो होता है वाइब्रियोकोमा की वजह से ये होता है। देखिए हमारे जितने भी कोर्सेज है, सीजीएल से रिलेटेड हो, HSSC से, RRB से रिलेटेड हो, उनके जितने भी कोर्सेज हमारे हैं उन पे 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं, जो लोग अभी आए हैं, उनको इसके बारे में पता होगा। तो 19 जुलाई से 21 जुलाई के बीच तक सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर आपके लिए वैलिड है। और अगर आप इस ऑफर का फायदा लाभ लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, या आप SSCSeizureclinical.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दी जाएंगी। और जो भी हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों के ऊपर ही 50% डिस्काउंट है, जो कि इन एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपको अगर कुछ भी पूछना भी हो या कोई भी क्यूरीज आपकी हो तो आप इनके ऊपर इस नंबर पर आप पता कर सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। आपको इसमें ये बताना है, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक वायु वाद्य यंत्र नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये वाद्य यंत्र हैं। आपको इनमें से एक चूज करना है कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि आपने जैसे देखा होगा कि उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं उन पे कुछ थोड़े से छेद से बनाए जाते हैं ताकि जो एयर होती है वो अंदर आ सके, और जब वो अपने मुंह से बजाते हैं उनको तो उस एयर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं वायु वाद्य यंत्र, ऐसे उनको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन डी, दैट इज कोट्य वाद्यम। जो कोट्य वाद्यम होता है वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी जो ये सब दिए हुए हैं ये हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इकोनॉमिक्स आर नोन एज। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको इनमें से ये बताना है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं इकोनॉमिक्स में उनको क्या कहते हैं, क्या टर्म उनके लिए यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, दैट इज सोशल ओवरहेड्स कैपिटल। जो सोशल ओवरहेड्स कैपिटल जो होती हैं उनको हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी हम उनको कहते हैं। उनको सामाजिक अतिरिक्त पूंजी, ये क्या होती हैं कि जो भी हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर क्या होते हैं, जो लोगों के लिए, समाज के लिए, जो उनकी भलाई के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं उनको हम वेलफेयर प्रोग्राम्स बोलते हैं। जो जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, रोड बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल बनवाना, तो इन कामों में जो पूंजी यूज होती है हमारी उसको हम बोलते हैं सामाजिक अतिरिक्त पूंजी। लोगों की वेलफेयर के लिए जिस पूंजी को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक अतिरिक्त पूंजी। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप देखिए इनमें से एक दो ऑप्शंस भी हम देख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि वर्किंग कैपिटल जो कि हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेली के हमारे जो सैलरी आती है, सैलरी जाती है, या जो भी इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी जो कि जो पैसे, जो हमारी पूंजी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रही है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, चालू पूंजी बोलते हैं उनको। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कोई भी एक प्रोफेशन में काम करते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, और वो जो अपने प्रोफेशन से, जो अपने टैलेंट से जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपको पता है जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब उनमें जो कैपिटल यूज होती है उसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ फिल्म ऑन ऑन महात्मा गांधी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नाम जो है, जो महात्मा गांधी पर बनी एक फिल्म से जुड़ा हुआ है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसके बारे में जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो इज द राइट आंसर। तो जो 1892 में, सॉरी 1982 में एक मूवी रिलीज हुई थी जो कि महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर जो मूवी बनी थी, इसका डायरेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके डायरेक्टर का नाम बताओ। इसके डायरेक्टर का नाम है जॉन बिरले।
अगर आपसे ये टर्म दी जाते जॉन बिरले और आपसे पूछा जाता कि इसका संबंध किससे है, तो आप इसका सही आंसर होता महात्मा गांधी की। एक अगर आपसे ये पूछा जाता कि इनमें से बताइए कि महात्मा गांधी पर बनी फिल्म से जुड़ा हुआ नाम है, और अगर आपको ये ऑप्शन में होता तो इसका राइट आंसर हम ये लेते, और अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये भी इसका राइट आंसर, ये दोनों। और ये महात्मा गांधी पे एक फिल्म बनी थी 1982 में, उसके ये डायरेक्टर थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। बस ये दोनों फैक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ टू रेलवे जोन्स इन इंडिया। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी है जिसके दो रेलवे जोन जोन उसी सिटी में लोकेटेड है। रेलवे जोन्स के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारी रेलवे है, आपको पहला पता होगा कि सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी, 1853, 1873 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी, ये आपको पता है अच्छे से। इससे पहले एक बार आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज मुंबई। मुंबई हमारे जो शहर है उसमें दो रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आपको रेल के बारे में बता रही थी, रेलवे के 1853 में मुंबई से ठाणे तक फर्स्ट रेल चली थी, और इस जो भी जो रेल के जो डिवीज़न होते हैं, जितने भी हमारे जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके कुछ डिवीज़न किए जाते हैं, तो उन डिवीज़न के अंदर कुछ जोन्स आते हैं जिनको हम जोन बोलते हैं, तो उन जोन के कुछ हेडक्वार्टर्स भी होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था ये कौन सी सिटी है जिसमें दो दो हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा मुंबई। आपसे पूछा जाएगा कितने रेलवे जोन हैं हमारे एट प्रेजेंट, तो 17 रेलवे जोन, 17 हमारे डिवीज़न हैं, सॉरी 17 रेलवे, सॉरी देख 17 तो हमारे रेलवे जोन हैं और 68 हमारे डिवीज़न हैं, ये आपको याद रखना है। और जो दो ऐसा रेलवे का मुख्यालय जो है वो है मुंबई, और 17 जोन हमारे होते हैं, 68 हमारे डिवीज़न हैं, ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, कि द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1987 इन। आपको ये बताना है कि भारत में पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी, ये आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, ये है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो हमारी पहली भारत की लॉ यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें और फैक्ट्स आपसे नहीं पूछे जा सकते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू आकाशवाणी। आपको बताना है कि जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम आकाशवाणी कब चेंज किया गया, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे 1947, दैट इज इट इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो जो ऑल इंडिया रेडियो है वो 1936 में उसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो, जिसको 1947 में चेंज कर दिया गया आकाशवाणी, ये इसका सही आंसर होगा। 1947 में आकाशवाणी, जब टेलीविजन वगैरह नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो हम सब रेडियो ही यूज़ करते थे। रेडियो के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी मैंने भी देखे हुए हैं, लेकिन अब तो जैसे फोन्स वगैरह आ गए हैं तो रेडियो लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी रेडियो का जो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो का फर्स्ट टाइम रेडियो कहाँ चला था, तो 1923 में जो मुंबई का जो रेडियो क्लब है वहाँ पे पहला रेडियो चलाया गया था 1923 में। और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, तो 1947 में इसका नाम चेंज, सॉरी 1947 नहीं, ऑप्शन इज डी, दैट इज 1957 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कब था, 1936 में। ये तीन फैक्ट्स आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर 1947 नहीं होगा, 1957 है, बाई मिस्टेक्स मैंने बता दिया आपको, और 1936 में इसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नामीबिया वॉज अर्लियर नोन एज। आपको बताना है कि जो नामीबिया है उसका पहले का नाम क्या था, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन डी, दैट इज साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से नामीबिया को जाना जाता था। तो नामीबिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो नामीबिया है, नामीबिया में कौन सा डेजर्ट लोकेट करता है नामीब नाम से, आपको पता है। आपको मैंने बताया था अफ्रीका में तीन डेजर्ट मिलते हैं। जो पहला डेजर्ट अफ्रीका में मिलता है सहारा, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। दूसरा यहाँ पे मिलता है नामीब, नामीब जो कि नामीबिया में है। और जो थर्ड डेजर्ट था वो था कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। ये तीन डेजर्ट यहाँ पे मिलते हैं, और जो सहारा डेजर्ट है इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो नामीबिया है वहाँ पे डेजर्ट है नामीब डेजर्ट। तो ये आपको इसे याद रखना है, और इसका जो पुराना नाम था वो साउथ वेस्ट अफ्रीका इसका नाम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि त्रिरत्ना इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना तीन रत्न, त्रिरत्न किसका संबंध किससे है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म,
जैन धर्म या पारसी धर्म, आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो था वो था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से इसका संबंध था। आपने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सुना भी होगा, महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने इसका प्रचार किया था, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे की थी, तो बिहार से उन्होंने ये बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया था। और आपसे पूछा जाए कि उनका पहला उपदेश कहाँ उन्होंने अपना दिया था, तो सारनाथ, बिहार में ही है सारनाथ, वहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से समुदाय से संबंध रखते थे, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय समुदाय से वो संबंध रखते थे। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और आपसे त्रिरत्न में क्या होता क्या है, त्रिरत्न क्या होते हैं, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, उपदेश थे, उसी से रिलेटेड है। त्रिरत्न है धम्मा बुद्धा, धम्मा बुद्ध और संघा, ये तीन नाम है, इनको मिला के त्रिरत्न बोलते हैं। और ये क्या है, जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी टीचिंग्स थी ये, उनके उपदेश जो उन्होंने दिए थे उनका एक पार्ट था, जिसको तीन रत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। और इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। और ये एग्जाम से, पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। आपको ये टर्म्स कुछ दी गई हैं, आपको इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए एक बाधा है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं केंद्रीकरण, कि सब चीज़ों का एक ही अगर सेंटर बनाया जाए तो उसको केंद्रीकरण कहेंगे। तो जो भी सारी पावर होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो एक इंसान के हाथों में दे दी जाए तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, दैट इज केंद्रीकरण। तो ऐसे में क्या होती है, आपको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंस आपके पास नहीं होती। और सारी इंडिपेंडेंस किसके पास होती है, जो ये सेंटर पॉइंट है उस इंसान के पास वो सारी पावर होती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो आप इस आंसर को चूज कैसे करेंगे, अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप तीनों और ऑप्शन दे दीजिए। देखिए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपको पता है तो आप इसको अच्छे से चूज कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे सेंट्रलाइजेशन बताया, उसका अपोजिट होता है कि अगर पावर सबके हाथों में हो तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इसमें सभी को इंडिपेंडेंसी भी मिलेगी और लिबर्टी भी होगी सबके पास, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता था। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पहले आपको पता था कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पहले गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ है, अगर वो उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, कि उस पर अब अधिकार किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट का अधिकार उस पर नहीं रहा। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी लोगों के पास उसका अधिकार होता है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी में एक ही इंसान काम करता है, काफी एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबके पास अलग अलग पावर होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेशनलाइजेशन, आपको राष्ट्रीयकरण क्या होता है ये भी आपको पता ही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन इज द राइट आंसर। उसी में हमें कोई भी लिबर्टी या इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं होती है, उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक इंसान के पास सारी पावर दे दी जाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये हमारा राइट आंसर होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए प्लांट विथ 30 सेंटीमीटर और मोर सर्कमफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन चेस्ट हाइट इज आइडेंटिफाइड एज। आपको एक पौधा जिसकी परिधि 30 सेंटीमीटर या मानव की छाती की ऊंचाई से ज़्यादा है उसको पहचानिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको एक प्लांट का बारे में बताना है कि जिसकी हाइट जो 30 सेंटीमीटर की होती है और उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो ह्यूमन चेस्ट के इक्वल होता है, हाइट के इक्वल होता है। तो आपको इसका सही आंसर देना होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मेडिसिनल हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं हमारी, वो इसका राइट आंसर है। उनकी हाइट जो होती है वो 30 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, ये इसका राइट आंसर है। हर्ब और श्रब के बारे में आप जानते हैं, ये भी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ये उनके उनसे रिलेटेड है। ट्री आपको पता ही है, ट्री की हाइट से ज़्यादा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हैवी वाटर इज कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन, हैवी वाटर का नाम आपने सुना होगा जिसको हम D2O बोलते हैं। हैवी वाटर को हम हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, कि उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसको हम, एक नॉर्मल वाटर हमारा होता है इसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है। ये रीजन है ऑप्शन ए, दैट इज हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका आंसर है। तो देखिए आइसोटोप मैंने आपको बताया, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जो मास नंबर होता है वो उनका डिफरेंट होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। हैवी वाटर इसको D2O बोलते हैं और हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, वो कंपोनेंट से मिलके हैवी वाटर बना होता है, तो D2O। तो आपको पता लगा कि दो कंपोनेंट हैं,
इसमें हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट हैं जिससे मिलके हैवी वाटर बना होता है। तो हाइड्रोजन के आपसे पूछा जाए आइसोटोप क्या क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम जो हैवी वाटर होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रिटियम। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सबका एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन जो मास नंबर होता है वो इनका डिफरेंट होता है, 1, 2, 3, ये इनके मास नंबर होता है। जो D2O हमारा होता है हैवी वाटर, वो होता है सेकंड नंबर वाला, जो सेकंड नंबर वाला है ये हमारा होता है D2O। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस विल गेट इट्स ओन पोस्टेज स्टैम्प। आपको ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नाम दिए गए हैं, शेयर मार्केट्स के नाम आपको दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा शेयर बाजार है जिसने अपने स्वयं की डाक टिकट जारी की है या जिसकी खुद की डाक टिकट है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो है, जिन्होंने अपनी डाक डाक टिकट जारी की है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसका राइट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारा ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ऑफ एशिया, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुंबई में ये लोकेटेड है। और आपसे वर्ल्ड का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज अगर आपसे पूछा जाए तो वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में है, ये नंबर वर्ल्ड पे नंबर 1 पे आता है स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर आपसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रैंकिंग आपसे पूछी जाए तो वो है 10th रैंक, 10वें नंबर पे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है। यही फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि लिनोटाइप इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि लिनोटाइप का संबंध किससे है, लिनोटाइप क्या होता है। लिनोटाइप जो होता है वो एक मशीन होती है, तो उस मशीन का संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है प्रिंटिंग से, मुद्रण से। जो हमारी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, वहाँ पे कौन सी मशीन यूज़ होती है, लिनोटाइप। तो लिनोटाइप एक मशीन है, उसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये हमारी मशीन होती है, इससे सब प्रिंटिंग का काम सब इससे होता है, उसका नाम भी इसमें मेंशन लिनोटाइप। तो लिनोटाइप का संबंध किससे है, प्रिंटिंग से। कभी कभी जो डायग्राम्स जो हमारे होते हैं उसको पिक्चर्स को देख के हमें कुछ चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है, इसलिए डायग्राम्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाजा वॉज इरेक्टेड बाय। आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। ये आपको नाम दिए हुए रूलर्स के, इनमें से आपको चूज करना है कि किसने बुलंद दरवाजा बनाया था। इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो इसका है वो है अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्यों बनाया था उसने, कि 1601 ईस्वी में अकबर ने किसकी मेमोरी में बनाया था, कॉमेमोरेट ऑफ गोवा, इन द विक्ट्री ऑफ कॉमेमोरेट ऑफ गोवा, गोवा के ऊपर उसने विक्ट्री प्राप्त की थी, उसकी याद में उसने 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ। तो राजस्थान की जो मिट्टी होती है उसके अंदर आपको बताना है कि उस पर किसका कंटेंट, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किसका कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स कौन से, जो मिनरल है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान की सॉइल में मिलता है, वो भी वेस्टर्न राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है उसके सॉइल में जो मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका राइट आंसर हम लेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा जो राजस्थान वेस्ट पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस, ह्यूमस का नाम आपने सुना होगा, उसका कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और एक होता है पोटाश, पोटाश का कंटेंट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और जो राजस्थानी जो मिट्टी होती है आपको उसमें पता है कि वो सॉल्टी होती, नमकीन होती है, और प्लस ड्राई होती, सूखी मिट्टी वहाँ की भी मिलती है, और सेलाइन, नमकीन मिट्टी भी वहाँ की मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कमी पूछी जाती कि जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें क्या नहीं पाया जाता, अगर आपसे ये क्वेश्चन होता तो क्या आप क्या जवाब देते हैं, इनमें से अगर आपको चूज करना पड़ता तो उसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में, और सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी होती है, कैल्शियम की। ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि नेम द कंट्री हु लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक इन टू द स्पेस। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक का शुभारंभ किया। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्पुतनिक हमारा था वो हमारा क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया का था वो था स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कौन से देश ने इसका शुभारंभ किया था, वो है सोवियत संघ, सोवियत यूनियन,
यूनियन ने स्पुतनिक फर्स्ट का शुभारंभ किया था, ये आपको इसमें बस पूछ सकते हैं फैक्ट। और इससे रिलेटेड फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ वर्ल्ड रहा है वो है स्पुतनिक। ये दो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, सेल्फ रिलायंस जिसको आत्मनिर्भरता भी बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य। इन ये आपको 5 ईयर प्लान दिए हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, 1950 के अंदर कुछ प्लान स्टार्ट किए गए जिसको 5 ईयर प्लान बताया गया, क्योंकि जो इंडिया, आपको पता है जब जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, तो हमें इंडिया को ज़रूरत थी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की। तो उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया। उस प्लान में क्या था कि अगले 5 सालों के लिए इंडिया का एक टारगेट सेट किया गया कि हमें 5 सालों में ये टारगेट चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो सके। तो उन प्लान को जो उन प्लान्स को क्या कहा गया, 5 ईयर प्लान, 5 साल में वो प्लान, एक बार 5 साल के लिए वो प्लान बनाया जाता था। उसकी शुरुआत हुई थी 1950 में, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पांचों, ये प्लान, 4 प्लान दिए हैं आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि जो आत्मनिर्भरता कौन से प्लान का उद्देश्य था, किसका मोटो था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हम जो लेंगे वो लेंगे ऑप्शन डी, जो हमारा छठा प्लान था, 6 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसका उद्देश्य, दो उद्देश्य उसके थे अगर आपसे पूछा जाए तो। एक है सेल्फ रिलायंस जो आपकी स्क्रीन पे है, और दूसरा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी आपसे पूछा जाए। तो ये दोनों इसके उद्देश्य थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है 6, जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसका मोटिव, ये दो मोटिव्स उसके थे, सेल्फ रिलायंस एंड गरीबी हटाओ, ये दोनों मोटिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे अभी लेट आए हैं, जो हमसे अभी बाद में जुड़े हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन पर 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सीजीएल कोर्स हो, एचएसएससी को हो, या आरआरबी के, आपको कोर्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज दोनों पे 50% डिस्काउंट है। और ये ऑफर जो है सिर्फ 3 दिन के लिए है, 19 से 21 जुलाई के लिए, 3 दिन में आपको ये ऑफर मिल सकता है। तो आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ये नंबर्स आपको दिए हुए 3 नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है ssccgilpinnacle.com उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी आपको पूछना होगा, आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो ऑफर है सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद आपको इस कोर्स की पूरी फी आपको पे करनी होगी और ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर आप इन कॉन्टैक्ट, इन जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप इन पे बात कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टाइम पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे।